नमस्कार दोस्तों, क्या आपका पोहा कभी कभी अच्छा नहीं बनता है, कभी गीला बन जाता है या कभी ड्राई बन जाता है? तो इस वीडियो में मैं आपको 5 खास बातें ऐसे बताने वाली हूँ जिससे आपका पोहा कभी ड्राई नहीं बनेगा, हमेशा सॉफ्ट सॉफ्ट स्वादिष्ट और स्पेशल बनेगा। इस वीडियो को आप लास्ट तक देखिए। तो चलिए शुरू करते हैं। 3 से 4 प्लेट पोहा बनाने के लिए चाहिए 350 ग्राम पोहा, कड़ी पत्ता, हरी मिर्च, आधा नींबू, एक मीडियम साइज़ प्याज, एक मीडियम साइज़ आलू काट लिया है, आधा बाउल मूंगफली, 2 बड़े चम्मच रिफाइंड ऑयल, 1 टीस्पून राई, हरी धनिया, 1 टीस्पून चीनी, स्वाद अनुसार नमक, 2 टीस्पून सौंफ, स्वाद अनुसार लाल मिर्च पाउडर, 3 टीस्पून धनिया पाउडर, 1 टीस्पून हल्दी। अब इस पोहे को धो लें। पहले पोहे को अच्छे से छान लें ताकि इसमें जो भी कचरा या बारीक पोहा है वो हट जाए। फिर इसे रनिंग वाटर या फिर किसी गहरे बर्तन में पानी लेकर भी पोहे को धो सकते हैं। ध्यान रखें, यदि आपका पोहा मोटा है तो इसे ज़्यादा देर तक धो सकते हैं, और यदि पोहा पतला है तो इसे ज़्यादा देर तक ना धोएं, नहीं तो फिर पोहा अच्छा नहीं बनेगा, चिपक जाएगा आपस में। और एक बात का और ध्यान रखें, पोहा को पहले ही धोकर रख लें, फिर बाद में कढ़ाई में मसाला तैयार करें। ऐसा करने से पोहा का एक्स्ट्रा पानी निकल जाता है। इस तरीके से आप किसी भी बाउल के ऊपर रख लें। गैस ऑन कर लें, इसमें रिफाइंड ऑयल डाल दें। ऑयल गर्म होने के बाद मूंगफली के दाने डाल दें, इन्हें हल्का ब्राउन होने तक फ्राई करें। ध्यान दें, गैस को मीडियम में ही रखें, तेज में करने से मूंगफली के दाने अच्छे से अंदर तक नहीं सिकते हैं और ऊपर से जल जाते हैं। यदि ये दाने चटक गए हैं तो समझिए ये अच्छे से फ्राई हो गए हैं। फ्रेंड्स, यदि आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और मेरे वीडियो को लाइक करें। अब इन्हें निकाल लें क्योंकि अच्छे से ये फ्राई हो गए हैं। ये देखिए आप, यदि आपको अच्छा पोहा बनाना है तो प्लीज़ इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए, क्योंकि मैं यहाँ आपको कुछ टिप्स बताने वाली हूँ जिससे आपका पोहा हमेशा सॉफ्ट और खिला खिला बनेगा। ये मूंगफली के दाने निकाल लें। फ्राई मूंगफली में बिल्कुल थोड़ा सा नमक डाल दें। गरम मूंगफली में नमक मिलाने से इसमें अच्छा नमक का फ्लेवर आ जाता है और ये पोहा के साथ खाने में बहुत ही अच्छी लगती है। स्वाद अनुसार डालें। पैन में 2 स्पून ऑयल लिया है, ऑयल गर्म हो जाए तो 1 टीस्पून राई डालें, ये 2 टीस्पून सौंफ डालें। ध्यान रखें, सौंफ जरूर डालें तभी आपका पोहा टेस्टी बनेगा। पोहा में लहसुन का यूज़ बिल्कुल ना करें, पोहा का स्वाद बदल जाएगा। ये कढ़ी पत्ता को बीच से तोड़कर डालें, हरी मिर्च स्वाद अनुसार डालें, एक मीडियम साइज प्याज को लंबा लंबा काट लिया है और पतला, प्याज को चम्मच से चला दें, 1 से 2 मिनट प्याज को पकने दें। ये देखिए इस तरीके से पकाएं, इसे ब्राउन मत होने दें ज़्यादा। इसमें आलू ऐड कर दें, आलू को मिक्स कर दें, इसे अच्छे से पकने दें। ये अच्छे से पक चुका है, इसे ज़्यादा ब्राउन मत होने दें, हल्का ही ब्राउन रखें। आलू जब पक जाए तो इसमें थोड़ा सा नमक डालें, ज़्यादा मत डालें, नमक इतना डालें कि आलू में नमक का फ्लेवर आ जाए। इसे अच्छे से मिक्स कर दें। आलू को चमचे से इस तरीके से दबाकर देखें, आलू आसानी से टूट रहा है, इसका मतलब आलू अच्छे से पक गया है। इसमें 1 टीस्पून हल्दी पाउडर डालें, 3 टीस्पून धनिया पाउडर डालें, स्वादानुसार लाल मिर्च पाउडर डालें और इसे अच्छे से मिक्स कर दें। ये पोहा देखिए इस तरीके से होना चाहिए धुलने के बाद। हाथ में रहने पर ये अलग अलग हो रहा है और बिल्कुल सॉफ्ट है। यदि आपका पोहा गीला होगा तो अच्छा नहीं बनेगा, आपस में पूरा चिपक जाएगा। इसका विशेष ध्यान रखें, पोहे को अच्छे से धोएं। इसमें देखिए पर्याप्त मॉइस्चर भी बना हुआ है, इसे कढ़ाई में डाल दें और अच्छे से मिक्स कर लें। ध्यान रखें, गैस को मीडियम स्लो फ्लेम में ही रखें। इसमें 1 टीस्पून चीनी ऐड कर दें, चीनी का जरूर यूज़ करें, पोहा अच्छा बनता है इससे। स्वादानुसार नमक डाल दें। अब इसे अच्छे तरीके से मिक्स कर लें। इसमें नींबू का रस डाल दिया, नींबू का जरूर यूज़ करें, इससे आपका पोहा हमेशा टेस्टी बनेगा। इसे अच्छे से मिक्स कर दें।
इसे ढककर 2 से 3 मिनट के लिए बिल्कुल स्लो फ्लेम में ही पकाएं, तो इससे आपका पोहा हमेशा सॉफ्ट ही रहेगा, कभी कड़ा या रूखा नहीं बन सकता। देखिए यहाँ इसे स्लो फ्लेम में ही पकाएं, भाप में, ये अच्छे से पक गया है। इसे मिक्स कर लें, इसमें आप हरी धनिया काट कर ऐड कर दें, और ध्यान रखें इसमें मूंगफली के दाने डालें तो ऊपर से ही डालें, ये बहुत ही अच्छे लगते हैं खाने में। ये देखिए डिलीशियस पोहा बनकर तैयार है। इस तरीके से मूंगफली के दाने डालें। 5 बात पोहा बनाते टाइम आप जरूर ध्यान रखें। पहला, सौंफ का जरूर यूज करें। दूसरा, नींबू जरूर डालें। तीसरा, थोड़ा चीनी डालें। चौथा, ढककर भाप में मीडियम फ्लेम में पकाएं। लास्ट पॉइंट है, सबसे महत्वपूर्ण बात पोहा को धुलने का है। जैसा मैंने आपको वीडियो में दिखाया है, ना तो ज़्यादा गीला और ना ही ज़्यादा ड्राई हो। ओके फ्रेंड्स, बाय बाय, टेक केयर, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।